Hello, good morning everyone. I welcome all of you. Dear ones, join the class and today we shall discuss a very important topic, conjunction. This one is very important for the REED students. REED students for level 1, 2, language 1st and 2nd. This one is very important. So come online, many students have joined and now we are going to start the class. Conjunction is a part of speech. Hamara ek part of speech hai conjunction, but REED exam ke andar ye jo topic hai wo linking devices ke name se hai, language second mein aur language first mein ye parts of speech ke name se bhi complete topic hai. First of all, meaning of conjunction. What do you mean by conjunction? Conjunction ka meaning kya hai? Aap kya samajhte hain conjunction ko? To conjunction ka yadi apan definition dekhe, isko Hindi mein hum yojak shabd kehte hain, jodne wale shabd kehte hain. English mein iski definition dekhe, to hum likhenge ki conjunction is a word used to join phrases, clauses and sentences. Conjunction is a word. Conjunction wo shabd hai jo istemal hota hai words ko, फ्रेजेस, वाक्यांश को, क्लोजेस, उपवाक्यों को और सेंटेंसेस, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक न्यू सेंटेंस बनाने के लिए, दैट इज नोन एज कंजक्शन. इट मीन कंजक्शन इज अ लिंकिंग डिवाइस ऑल्सो. कंजक्शन एक जोड़ने वाली युक्ति भी है. हालांकि लिंकिंग डिवाइसेस में कंजक्शन के अलावा कुछ अदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, अदर वर्ड्स हैं, वो भी काम में आते हैं. रीट एग्जाम में ये टॉपिक लिंकिंग डिवाइसेस नेम से हमें दिया गया है लैंग्वेज सेकंड में, और लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर हमें कंजक्शन पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ना पड़ता है. लिंकिंग डिवाइसेस क्या है? लिंकिंग डिवाइसेस आर ऑल्सो कंबाइनिंग वर्ड्स, जोड़ने वाले शब्द हैं. लिंकिंग डिवाइसेस आर ऑल्सो नोन एज, इसको अपने ट्रांजिशन एंड कोहेसिव डिवाइसेस, कोहेसिव डिवाइसेस नेम से भी जानते हैं. दिस वन इज अनदर नेम ऑफ लिंकिंग डिवाइसेस, ट्रांजिशन एंड कोहेसिव डिवाइसेस. ये भी हम लिंकिंग डिवाइसेस को कह सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज लिंकिंग डिवाइसेस? इन जोड़ने वाले शब्दों का क्या महत्व है? हम इनको क्यों यूज करते हैं? तो लिंकिंग डिवाइसेस या जोड़ने वाले शब्द जो हैं, इनको हम यूज करते हैं. जैसे इसके अपन मेन यूज लिखे, व्हाई दिस वन दीज आर इम्पोर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि अपन लिखे टू एनलार्ज सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को एनलार्ज करने के लिए, विस्तृत करने के लिए, बड़ा करने के लिए, समटाइम्स वी यूज सेंटेंसेस एंड टू मेक फ्लुएंसी वी हैव टू यूज लिंकिंग डिवाइसेस. कुछ जोड़ने वाले शब्दों से हम सेंटेंस को जोड़ते हुए, एक रिदम बनाते हुए पूरा पैराग्राफ के रूप में लिखते रहते हैं. टू एनलार्ज, बड़ा करने के लिए सेंटेंसेस को वी यूज लिंकिंग डिवाइसेस. यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंकिंग डिवाइसेस आर यूज्ड, उसके बाद में हमें ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें ये इसके यूज हैं वो इंपॉर्टेंट हैं. टू एनलार्ज सेंटेंसेस,
सेकेंड वन इफ आई से टू गिव एग्जाम्पल्स, टू गिव एग्जाम्पल्स उदाहरण देने के लिए, इफ यू वॉन्ट टू प्रेजेंट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग देन वी यूज फॉर एग्जाम्पल, इस टाइप के वर्ड यूज करते हुए हम उन एग्जाम्पल्स को जोड़ देते हैं मेन सेंटेंस से। तो ये भी एक महत्वपूर्ण यूज है इसका, टू गिव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देने के लिए। नेक्स्ट वन, टू समराइज टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को समराइज करने के लिए, उसको शॉर्ट करने के लिए, छोटा करने के लिए भी हम यूज करते हैं लिंकिंग डिवाइसेस। लिंकिंग डिवाइसेस की हेल्प से हम किसी टेक्स्ट की समरी रूप में उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, टू शो कंट्रेरी, कंट्रेरी आइडियाज, टू शो कंट्रेरी आइडियाज, इफ यू वॉन्ट टू शो टू कंट्रेरी आइडियाज और कंसेप्ट इन अ सिंगल सेंटेंस, एट दैट टाइम वी यूज सम डिवाइसेस, हम कुछ ऐसी लिंकिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं जिनकी हेल्प से हम उन कंट्रेरी आइडियाज को शो करते हुए, उनका मीनिंग भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए और हम उसको एक सेंटेंस के रूप में भी लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बट का यूज करते हैं कि ही इज वीक बट ही पास्ड द एग्जाम, ही इज वीक, वह वीक है बट ही पास्ड द एग्जाम। तो अपन यदि इस तरह से कहें ही वॉज वीक, वह वीक था बट ही पास्ड द एग्जाम, लेकिन उसने एग्जाम पास किया, तो ये कंट्रेरी आइडिया है। इन कंट्रेरी आइडिया को हमने एक करने के लिए बट का यूज किया है। इसी तरीके से यदि हम लिखें टू पुट आइडियाज इन अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ के अंदर आइडियाज पुट करने के लिए, इफ वी वॉन्ट टू मेक अ रिदम, यदि हम एक रिदम बनाना चाहते हैं, हम पूरे सेंटेंसेस को एक पैराग्राफ के रूप में लिखना चाहते हैं, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज लिंकिंग डिवाइसेस। विद द हेल्प ऑफ लिंकिंग डिवाइसेस वी कैन प्रेजेंट अ रिदम इन दैट पैराग्राफ। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ लिंकिंग डिवाइसेस, ये लिंकिंग डिवाइसेस का एक इंपॉर्टेंट यूज है। तो इसके नेक्स्ट हम एक और इसका यूज कर सकते हैं, टू गिव रीजन और कॉज, इफ यू वॉन्ट टू शो रीजन और कॉज ऑफ सम स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट, किसी सेंटेंस में किसी काम का कोई रीजन, कोई कारण हो या उसका कोई कॉज हो, उसको यदि अपने प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम कुछ लिंकिंग डिवाइसेस है जिनकी हेल्प से हम सेकंड सेंटेंस को भी उससे जोड़ते हुए उसको हम जोड़ देते हैं, तो उसमें हम रीजन या कॉज प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई स्टूडेंट इज एबसेंट बिकॉज ही इज इल, हियर वी आर यूजिंग लिंकिंग वर्ड बिकॉज, आफ्टर बिकॉज वी आर मेंशनिंग रीजन ऑफ हिज एब्सेंस, इट मीन टू शो रीजन और कॉज वी ऑल्सो यूज लिंकिंग डिवाइसेस। दीज आर सम इम्पोर्टेंट यूज ऑफ द लिंकिंग डिवाइसेस। वाई डू वी यूज लिंकिंग डिवाइस, टू एनलार्ज सेंटेंसेस, टू एनलार्ज टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को, किसी सेंटेंस को बड़ा करने के लिए, टू गिव एग्जाम्पल्स, टू गिव एग्जाम्पल, टू प्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ सम टाइप, कुछ टाइप की एग्जाम्पल प्रेजेंट करने के लिए। थर्ड वन, टू समराइज टेक्स्ट, किसी को छोटा करने के लिए टेक्स्ट को,
किसी कंट्रेरी आइडियाज को सिंगल सेंटेंस में कन्वे करने के लिए एंड टू पुट ऑल टाइप ऑफ द आइडियाज इन अ रिदम इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर टोटल आइडियाज को यदि हम पुट करना चाहते हैं, एट दैट टाइम वी यूज कंजक्शन और लिंकिंग डिवाइसेस। एंड लास्ट वन, टू गिव रीजन और कोज, किसी चीज का कारण या किसी चीज का कोज देने के लिए भी हम लिंकिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, इसके यूज क्या है। सेकंड, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि कौन कौन से ऐसे ग्रामेटिकल टॉपिक हैं, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो लिंकिंग डिवाइसेस की तरह यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम देखते हैं कि लिंकिंग डिवाइसेस इंग्लिश में टोटल कितनी हैं, तो लिंकिंग डिवाइसेस की यदि बात करें तो लिंकिंग डिवाइसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो लिंकिंग डिवाइस है, दैट इज कंजंक्शन। सबसे महत्वपूर्ण जो लिंकिंग डिवाइस है, दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद हम कंजंक्शन को कुछ बुक्स में कनेक्टिव नेम से भी जानते हैं। हालांकि कंजंक्शन और कनेक्टिव में डिफरेंस होता है, कंजंक्शन एक ही सेंटेंस के अंदर अलग अलग आइडियाज वाले क्लोजेस को जोड़ता है, जबकि कनेक्टिव जो है वो एक सेंटेंस के भाव को पीछे पैराग्राफ से भी जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम एडवर्ब यूज करते हैं, जैसे देन, देयरफॉर। तो देयरफॉर से पहले यदि हमें फुल स्टॉप दिया है, इट मीन वो देयरफॉर वर्ड उस सेंटेंस के सेंस को पीछे वाले सेंटेंस से जोड़ रहा है। तो ही फेल्ड, फुल स्टॉप, ही फेल्ड, देयरफॉर ही लेफ्ट स्कूल। देयरफॉर, तो देयरफॉर से पहले हमें फुल स्टॉप दिया है, तो ही फेल्ड, उसके बाद देयरफॉर ही लेफ्ट स्कूल। तो देयरफॉर वर्ड इस सेंटेंस के भाव को कि उसने स्कूल क्यों छोड़ा, बिकॉज ही फेल्ड, तो ही फेल्ड जो पहले सेंटेंस है उससे जोड़ रहा है। तो जो इस तरह का एक सेंटेंस की सेंस को दूसरे सेंटेंस, पीछे वाले सेंटेंसेस से जोड़ना, दैट इज कनेक्टिव। और कंजक्शन एक सेंटेंस के अंदर ही कई वर्ड्स का यूज करते हुए अलग अलग टाइप के सेंसेस को जोड़ता है। सेकंड वन, कंजक्शन के बाद जो हम यूज करते हैं एज ए लिंकिंग डिवाइसेस, या जिसे अपन कहें एज ए लिंकिंग डिवाइस में, और किसका यूज होता है, दे आर एडवर्ब। वी यूज सम एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने देखा टी एच ई एन, देन, देयरफॉर, ये कुछ एडवर्ब हैं जिनका हम यूज करते हैं एज अ लिंकिंग डिवाइसेस, लिंकिंग डिवाइसेस के तौर पे। इसके बाद थर्ड वन हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन आर ऑल्सो वर्ड्स यूज टू मेक द सेंस ऑफ दैट सेंटेंस मोर क्लियर। उस सेंटेंस के सेंस को ज्यादा क्लियर करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन का। और प्रेपोजिशन के बाद भी कुछ सेंटेंस बड़ा हो जाता है, उसमें कुछ एनलार्जमेंट हो जाती है। तो प्रेपोजिशन आर ऑल्सो यूज्ड एज लिंकिंग डिवाइसेस इन द सेंटेंस। आफ्टर प्रेपोजिशन, इफ वी लुक एट नाउन, नाउन क्या संज्ञा भी एज ए लिंकिंग डिवाइस यूज हो सकती है? बिल्कुल। नाउन जो है, जिसे अपन बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन, तो नाउन इन अपोजिशन जो है वो यूज होता है लिंकिंग डिवाइसेस के तौर पे सेंटेंस को एनलार्ज करने के लिए। नाउन इन अपोजिशन का मीनिंग क्या है? नाउन इन अपोजिशन का मीनिंग है जब एक नाउन दिया है, उसके जस्ट पास में हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए कोई फ्रेज दे रहे हैं, तो वो जाना जाता है नाउन इन अपोजिशन के नेम से।
फॉर एग्जाम्पल इफ वी से महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कॉमा फादर ऑफ नेशन वॉज बॉर्न इन 1869। महात्मा गांधी हमने प्रॉपर नाउन का यूज किया, फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन इसी वर्ड को इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच कोई वर्ब का यूज नहीं हुआ। यहां पे ये है नाउन इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है पुट नियर, किसी के पास रखना। तो किसी भी एक नाउन के पास जब दूसरा डिस्क्राइबिंग वर्ड आता है बिना किसी वर्ब का यूज किए हुए तो वो कहलाता है नाउन इन अपोजिशन। तो नाउन इन अपोजिशन इज ऑल्सो यूज एज अ लिंकिंग डिवाइस, लिंकिंग डिवाइस की तरह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मोहन मॉनिटर ऑफ आवर क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट। मोहन, तो हमने मोहन प्रॉपर नाउन का यूज किया, सेकेंड वन कोमा के बाद हम यूज कर रहे हैं मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, हमारी क्लास का मॉनिटर। तो मॉनिटर ऑफ आवर क्लास है वो नाउन इन अपोजिशन है, बिना हेल्पिंग वर्ब के हमने जस्ट कोमा का यूज करते हुए उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड का यूज किया है। तो इस तरह के वर्ड जो है ये भी हमारे सेंटेंस को एनलार्ज कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो इन्हें भी हम लिंकिंग डिवाइसेस के नेम से जानते हैं। इसके बाद हम एक और यूज करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन आर ऑल्सो यूज्ड एज लिंकिंग डिवाइसेस, लिंकिंग डिवाइसेस के तौर पे प्रोनाउन का भी यूज होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं अपने मैसेज से कौन से प्रोनाउन का यूज हम सेंटेंसेस को बड़ा करने के लिए करते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं, जो हमें लिंकिंग डिवाइस के रूप में मिलता है। इफ एनीबडी कैन आंसर प्लीज मैसेज, कौन सा प्रोनाउन हमें यूज होता है। हम प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन के टाइप में हमने देखा था, प्रोनाउन का एक टाइप था रिलेटिव प्रोनाउन। जो रिलेटिव प्रोनाउंस थे, कौन कौन से वर्ड हमने रिलेटिव प्रोनाउंस में पढ़े थे, रिलेटिव प्रोनाउंस में हमने वर्ड पढ़े थे हु, हूज, हूम, विच एंड दैट। वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स है हु, हूज, हूम, विच एंड दैट। अरविंद पारिक, हूज, विकास पारिक के भी आंसर आ रहे हैं, कंचन के भी आंसर इसमें आ रहे हैं। दीज आर रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम भी करते हैं। तो इसलिए जितने भी ये रिलेटिव प्रोनाउन हैं उन्हें हम एज ए लिंकिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये जोड़ने का काम करते हैं। कोई भी वर्ड जिसकी हेल्प से हम इंग्लिश के सेंटेंसेस, फ्रेजेस या क्लोजेस को जोड़ते हैं, दे आर नोन एज लिंकिंग डिवाइसेस, उन्हें हम लिंकिंग डिवाइसेस के नेम से जानते हैं। एडवर्ब जो है, एडवर्ब में भी हमने एक टाइप पढ़ा था कल, रिलेटिव एडवर्ब। जो रिलेटिव एडवर्ब्स हैं वो भी काम करते हैं एज अ लिंकिंग डिवाइस। इसमें हमने पढ़ा था व्हेन, वेयर एंड व्हाई। ये जो एडवर्ब्स हैं ये यूज होती हैं किसी सेंटेंसेस को एनलार्ज करने के लिए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज द यूज ऑफ लिंकिंग डिवाइसेस, लिंकिंग डिवाइसेस का पर्पज क्या है, व्हाई डू वी यूज लिंकिंग डिवाइसेस। और उसके बाद अब हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी ऐसी ग्रामेटिकल डिवाइसेस हैं जिन्हें हम लिंकिंग डिवाइस के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा कंजक्शन,
कनेक्टिव नाम से भी जाना जाता है, थोड़ा डिफरेंस है इनके मीनिंग में, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, नाउन, नाउन इन अपोजिशन फॉर एग्जांपल, प्रोनाउन जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, एडवर्ब में रिलेटिव एडवर्ब, कंप्लीटली जो है लिंकिंग डिवाइसेस है। तो इनकी हेल्प से हम किन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में जोड़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर जो टॉपिक है लिंकिंग डिवाइसेस में, दैट इज कंजक्शन, जोड़ने वाले शब्द, योजक शब्द जिसे अपन कहते हैं। नाउ वी शैल डिस्कस कंजक्शन, टाइप्स ऑफ कंजक्शन, हाउ डू वी यूज कंजक्शन एंड हाउ शुड वी यूज कंजक्शन, किस तरह से हमें कंजक्शन का यूज करना चाहिए और कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक हम कंजक्शन में करते हैं। पहले इसके हम डिस्कस करेंगे टाइप, कि कौन कौन से टाइप कंजक्शन के हैं, ताकि हमें थोड़ी हेल्प मिल जाए हमारे सेंटेंस को समझने में। मीनिंग क्लियर करने के बाद कि कंजक्शन इज अ वर्ड यूज टू जॉइन फ्रेजेस, वाक्यांश, क्लोजेस, उपवाक्य एंड सेंटेंसेस, और वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, दैट इज नोन एज कंजक्शन, उसे हम कंजक्शन नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से रवि एंड मुकेश आर फ्रेंड्स, रवि एंड मुकेश आर फ्रेंड्स, तो हमने यहां पे टू नाउन है, टू वर्ड्स हैं, इनको किन की हेल्प से जोड़ा है, एंड की हेल्प से। एंड की हेल्प से हमने इन टू वर्ड्स को जोड़ते हुए इस सेंटेंस को एनलार्ज कर दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। तो ये है हमारा यहाँ पे कंजक्शन। तो कंजक्शन की हेल्प से हम वर्ड्स भी जोड़ सकते हैं, कुछ फ्रेजेस भी जोड़ सकते हैं, यानी वाक्यांश भी जोड़ सकते हैं, उपवाक्य भी जोड़ सकते हैं और वाक्य भी जोड़ सकते हैं। इसी तरह से अब हम इसको देखते हैं, इसके टाइप। कंजक्शन बेसिकली टू टाइप के होते हैं, दो इसके टाइप है मेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सेकंड वन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसे कि इसका नेम हमें सजेस्ट कर रहा है कि जो कंजक्शन टू इक्वल क्लोजेस को जोड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दो इक्वल क्लोजेस एक जैसी होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेशन होता है इसके अंदर, इक्वल स्टेटस की क्लोज है तो वो दोनों की दोनों जुड़ती है, कोई मेजर या कोई माइनर क्लोज नहीं होती। लेकिन जब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन की, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन के अंदर हम अपनी प्रिंसिपल क्लोज को, यानी मुख्य क्लोज को सबऑर्डिनेट क्लोज से जोड़ते हैं, यानी कि इसमें एक क्लोज जो है, एक उपवाक्य अपने मीनिंग के लिए दूसरे उपवाक्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इसमें लिखते हैं अपन, ही सेल्स न्यूज़पेपर एंड आर्न्स His living. He sells newspaper. वह newspaper sell करता है. He earns his living. वो अपनी आजीविका कमाता है. इन दो clauses को हमने किससे जोड़ा है? And से. दोनों clauses free हैं. दोनों clauses equal हैं अपने status के अंदर. कोई अपने meaning के लिए एक दूसरे पे depend नहीं करती। तो इस तरह की जो क्लोजेस हैं,
जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं होती, इक्वल स्टेटस की होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जस्ट थोड़ा क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सेकेंड वन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है इसके अंतर्गत हम दो इक्वल स्टेटस की नहीं बल्कि एक मेन क्लॉज एंड सेकेंड वन सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ही सेंटेंस इसमें अपन लिखते हैं द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही अराइव्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही अराइव्ड द स्टेशन, यानी उसके स्टेशन जाने से पहले जो ट्रेन थी वो निकल चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही अराइव्ड द स्टेशन, वो स्टेशन जब पहुंचा उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट, एक सेंटेंस इसमें ये है बिफोर ही अराइव्ड द स्टेशन, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले जो ट्रेन है वो जा चुकी थी। तो यहाँ पे जो ये कब ट्रेन वहां से जा चुकी उसका समय जो है वो सेकंड क्लोज के अंदर दिया गया है, यानी ये दोनों क्लोजेस आपस में एक क्लोज अपने मीनिंग के लिए सेकंड क्लोज के ऊपर डिपेंड है। तो इस तरह से एक मेन और एक डिपेंड क्लोज जब जुड़ती है किसी कंजक्शन के द्वारा तो वो कहलाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इनको हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इसके टोटल टाइप टोटल कंजक्शन। आप लोग आज स्टडी मटेरियल टैब से कंजक्शन टॉपिक के असाइनमेंट जो है नोट्स जो हैं वो डाउनलोड करें, उसमें से आप टोटल जो कंजक्शन के टाइप हैं और उसके जो एग्जांपल्स हैं वो उसमें आपको मिल जाएंगे। आज अपन पहले डिस्कस करेंगे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसके कितने टाइप हैं और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर टाइप, चार तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं। पहला जो है वो है कम्युलेटिव, कम्युलेटिव कंजक्शन, कम्युलेटिव कंजक्शन। सेकेंड वन इसका जो टाइप है दैट इज एडवर्सेटिव कंजक्शन। थर्ड जो इसका टाइप है दैट इज अल्टरनेटिव, जिसे अपन डिसजंक्टिव भी बोल देते हैं, डिसजंक्टिव कंजक्शन। एंड लास्ट वन इज इलेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन। दीज आर फोर टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फर्स्ट टाइप कम्युलेटिव कंजक्शन, कम्युलेट मीन्स टू जॉइन सिंपली, साधारणतः जो सिंपल वर्ड्स को जोड़ता है विदाउट एडिंग एनीथिंग स्पेशल, कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना, चाहे ना तो उसमें अपन विरोधी सेंसेस को जोड़ना है ना ही उसमें अल्टरनेटिव सेंसेस को जोड़ना है, इस तरह का कोई ना इलेटिव सेंस देनी है, हमने जस्ट दो सेंटेंस को सिंपल जोड़ना है, उसके लिए जो कंजक्शन यूज होते हैं दे आर नोन एज
कम्युलेटिव। तो कम्युलेट करने इसे कॉपुलेटिव भी बोल देते हैं। तो ये जस्ट सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आता है। जैसे कि अपन पढ़ते हैं वेरी सिंपल, हम एक कंजक्शन का यूज करते हैं किन्हीं भी दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, एंड एंड एज वेल एज, नो लेस देन, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस टाइप के जो कंजक्शन है वो कम्युलेट करने के काम आते हैं। सिंपली दे ज्वाइन टू सेंटेंसेस सो दे आर नोन एज कम्युलेटिव कंजक्शन। उसे अपन कम्युलेटिव कंजक्शन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से डू गुड एंड फॉरगेट, डू गुड एंड फॉरगेट, नेकी कर दरिया में डाल, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं डू गुड, अच्छा कीजिए, एंड और भूल जाइए। तो यहां पे दो सेंटेंस है हमारे पास, डू गुड एंड फॉरगेट। तो दोनों ही हमने सिंपली किससे जोड़े हैं, एंड से। तो एंड ऐसा कंजक्शन है, कम्युलेटिव कंजक्शन है, कॉपुलेटिव है। इससे हम सिंपली बिना किसी अलग सेंस को सेंटेंस में इन्वॉल्व किए वाक्य को जोड़ते हैं। सेकंड वन, एडवर्सेटिव कंजक्शन। अब नाम से ही हमें पता चल रहा है एडवर्सेटिव, एडवर्स का मतलब होता है विरोधी। जब विरोधी दो सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें कुछ ऐसे कंजक्शन का यूज करना पड़ता है जिसमें हम सिंपल उन सेंसेस को नहीं ज्वाइन कर सकते, बल्कि ये शो करने के लिए कि फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस अपने मीनिंग के अंदर, अपने सेंस के अंदर एक दूसरे के विपरीत है। तो ऐसे को हम बोलते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको सेंटेंस एक लिखे कि ही वॉज वीक बट ही पास्ड द एग्जाम। ही वॉज वीक, वह कमजोर था, तो इसका मतलब उसके पास होने की उम्मीद नहीं थी। दोनों विरोधी चीजें हैं। ही पास्ड द एग्जाम, उसने एग्जाम पास किया, तो वह कमजोर था लेकिन किंतु उसने एग्जाम पास किया। तो दो विरोधी वाक्यों को ऐसे कंजक्शन से जोड़ना जो कि उसके मीनिंग को और ज्यादा क्लियर कर देते हैं, उन्हें हम एडवर्सेटिव कंजक्शन के नाम से जानते हैं। थर्ड टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव का मतलब होता है दो विकल्प में से एक चुनने वाला। तो ऐसे जितने भी इंग्लिश में कंजक्शन हैं जिसमें हम दो में से एक अल्टरनेट को चुनते हैं, वो अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजक्शन कहलाते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं? फॉर एग्जाम्पल, इसमें अपन लिखते हैं, यूज करते हैं आइदर और, नाइदर नो। इसके बाद हम वर्ड यूज करते हैं सिंपल और, अदरवाइज। इस टाइप के जो कंजक्शन है जिसमें हम एक नहीं दो ऑप्शन में से एक अल्टरनेट चूज करने का ऑप्शन देते हैं, तो उसमें हम अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजक्शन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आइदर ही और हिज फ्रेंड, आइदर ही और हिज फ्रेंड रॉट अ लेटर, आइदर ही और हिज फ्रेंड रॉट अ लेटर। तो इसमें हम आइदर और का यूज कर रहे हैं। इसके साथ हम इन दो सब्जेक्ट में से ही और हिज फ्रेंड, इन दोनों में से अल्टरनेट सेंस दे रहे हैं।
तो इस टाइप की अल्टरनेट सेंस देने के लिए हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में आइदर आर और नेगेटिव में नाइदर नॉर आर अदरवाइज एल्स ऐसे शब्द का हम यूज करते हैं, तो इन्हें हम अल्टरनेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। लास्ट टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जो लास्ट टाइप है उसमें हम यूज करते हैं वर्ड जो कि हमें किसी चीज के होने का परिणाम शो करते हैं। इसमें हम जैसे वर्ड यूज करते हैं सो, देयरफॉर, इसके बाद हम वर्ड यूज करते हैं इसमें एफ ओ आर फॉर, ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस में सेकंड सेंटेंस में उसका रिजल्ट शो करते हैं उसे हम इलेटिव कंजक्शन के नेम से जानते हैं। जैसे अपन इसमें लिखें ही इज इल सो ही इज एब्सेंट, ही इज इल सो ही इज एब्सेंट, इट मीन हमने फर्स्ट सेंटेंस इसमें लिया He is ill और सेकेंड सेंटेंस हमने लिया He is absent। तो इन दो सेंटेंसेस को इसमें सेकेंड सेंटेंस वो रिजल्ट शो कर रहा है और फर्स्ट सेंटेंस है वो रीजन शो करता है। तो जो पहले रीजन और बाद में रिजल्ट शो करता है बीच में जिस कंजक्शन का यूज किया जाता है दे आर नोन एज इलेटिव कंजक्शन, उन्हें हम इलेटिव कंजक्शन के नाम से जानते हैं। अभी विकास पारिक ने पूछा है सर एडवर्सेटिव और कंट्रोवर्सियल इज सेम, तो कंट्रोवर्सियल वर्ड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंट्रोवर्सियल मैंने कोई टाइप तो नहीं बताया, वैसे कंट्रोवर्सियल जो है वो भी विरोधी भाषी है, एडवर्सेटिव का मतलब जो विरोधी है, तो कंट्रोवर्सियल तो वैसे विवादित वर्ड के लिए आ जाता है, कंट्रोवर्सियल वर्ड, कंट्रोवर्सी वर्ड हम विवाद के लिए यूज करते हैं, तो इसका सही नेम तो हम इसमें एडवर्सेटिव कंजक्शन के नेम से ही जानते हैं जिसमें टू अपोजिट आइडियाज जो होते हैं वो एक सेंटेंस में कलेक्ट किए जाते हैं। तो बेसिकली इसके फोर टाइप हैं, कम्युलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव जो अपोजिट स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं, अल्टरनेटिव जिसमें अल्टरनेटिव रहता है उस सेंटेंस में, एंड इलेटिव जिसमें पहले रीजन दिया जाता है उसके बाद कंजक्शन के बाद रिजल्ट को शो किया जाता है, तो उसे हम इलेटिव कंजक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये थे हमारे चार कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के टाइप। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन के यूज एंड टाइप, इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे एक और कंजक्शन का टाइप जिसे अपन बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव या कोरिलेटिव्स के नेम से भी इसे अपन जानते हैं। जो कंजक्शंस पेयर में होते हैं उन्हें हम सिंपली कोरिलेटिव कंजक्शन का नाम भी दे देते हैं जो इनसे अलग है। जैसे कि अपन वर्ड यूज करते हैं कोरिलेटिव के अंदर बोथ एंड, तो जो कंजक्शन इस तरह से पेयर में होते हैं डबल होते हैं उन्हें कंजक्शंस को हम कोरिलेटिव्स के नेम से भी जानते हैं। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन के टाइप्स, उनके एग्जांपल्स एंड कोरिलेटिव जो इंपॉर्टेंट कंजक्शन है जहां पे आपको मुख्य मुख्य बातें ध्यान रखनी है, कॉमन मिस्टेक आपने नहीं करनी है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ले सको। तो कल की क्लास के अंदर छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे अपन क्लास में ही कंजक्शन टॉपिक के ऊपर और साथ में हम कंप्लीट करेंगे सबॉर्डिनेट कंजक्शन को। आपकी किसी भी टाइप कोई क्वेरी है तो उसे आप जरूर मैसेज करें ताकि जो है हम लोग अच्छे से अच्छा इंटरेक्शन बना सकें। विकास ने भी थैंक्स लिखा है क्लास के लिए, यू आर ऑल ऑफ यू आर वेलकम,
मैं आप सभी के लिए ही यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, इसका सिर्फ एक जिसे अपन कहें प्रोफेशनल मेरा इतना पर्पस नहीं है, लेकिन कम से कम मेरी जो रियल फी है, मेरा जो रियल आप जिसे कहें कि पे करेंगे, वो मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, आपकी कामयाबी चाहिए। इसी मकसद के साथ मैं काम करता हूं और यही मैं उम्मीद आप सभी से करता हूं कि आप इस तरह से जुड़े, आपके कोई भी सजेशन है किसी भी टाइप के तो आप मोस्ट वेलकम। सभी सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आपका फीडबैक मुझे अच्छी क्लास देने में हेल्प करेगा। दैट्स ऑल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, सी यू सून।